अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, मैं आपके लिए लेके आई हूँ ह्यूज ब्लाउज कलेक्शन, वो भी अमेजोन से। क्योंकि अमेजोन पे मुझे लगता नहीं था कि इतने प्यारे प्यारे ब्लाउज देखने को मिलेंगे, लेकिन अब की बार मैंने बहुत सारे अमेजोन से ब्लाउज पिक किए हैं। टोटल 8 ब्लाउज पिक किए हैं, एक से बढ़ के एक है। मोस्टली ब्लाउज ऐसे भी हैं जिन्हें आप एज ए क्रॉप टॉप की तरह भी यूज कर सकते हो। इनके डिजाइन, पैटर्न, लुकिंग वाइज सुपर्ब है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि एक से बढ़ के एक सारे डिजाइनर ब्लाउज हैं। और इनको परचेज करने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंगल लिंक मिलेगा माई हॉल स्टोर का। जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है और वहां से आप इन ब्लाउज की प्राइस, इनके बारे में डिटेल, और वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी ऐसे अलग अलग लिंक पे परचेज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक लिंक पे क्लिक करना है। इससे इजी हो जाएगा आपके लिए परचेज करना। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वाला ब्लाउज मैंने पहना हुआ है अपनी एक वीडियो में, एक साड़ी में पहना हुआ था। साइड में फोटो लगा दूंगी। उस ब्लाउज को पहनने के बाद इतने सारे लोगों के कमेंट्स आए थे। इसका जो ब्रांड है वो है स्टूडियो श्रीनगर। ये वाले ब्रांड को मैंने पहली बार ट्राई किया, लेकिन इसका जो ब्लाउज के कलेक्शन मैंने मंगवाए, बहुत ही प्यारे एंड रॉयल ब्लाउज है। तो इस तरीके का आपको ये पूरा प्रिंटेड ब्लाउज मिलेगा। ये बॉट नेक का ब्लाउज है, इस तरीके की इसमें स्लीव्स देखने को मिल जाएगी। ये वाला ब्लाउज पैडेड नहीं है, क्योंकि पैडेड ब्लाउज मैं ऑलरेडी आपके साथ काफी सारे शेयर कर चुकी हूँ। और अभी समर्स का टाइम है, तो मैंने कुछ इस तरीके के ब्लाउज पिक किए हैं जो कि सिंपल होने के साथ साथ ऐसे हो कि आप उन्हें किसी भी पार्टी फंक्शन, लहंगे, साड़ी किसी के ऊपर भी कैरी कर सको। तो ये प्रिंटेड ब्लाउज देखने को मिलेगा। पहले आप इसका कलर देखो कितना प्यारा है, या वो पिंक कलर के शेड में मिलेगा। पूरा पूरे पर डिजिटल प्रिंट इस पर किया हुआ है। इस ब्लाउज का फैब्रिक जो है सिल्क फैब्रिक है, और इस तरीके की इसमें स्लीव्स देखने को मिल जाएगी। अंदर की साइड आपको प्योर कॉटन की लाइनिंग मिल जाएगी, जिससे पहनने के बाद काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और इसमें आपको बैक क्लोजर देखने को मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा लुक है। आप साइड में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो है स्मॉल। मेरे सभी में स्मॉल साइज मुझे मिल गया था, तो मैंने स्मॉल साइज पिक किया है। इसमें साइज चार्ट दिया हुआ है, स्मॉल, एम, एल, एक्सएल। आपको जो भी साइज लेना है आप साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हैं। मैंने पिक किया है वो है प्योर व्हाइट कलर में। मैं कुछ ढूंढ रही थी ऐसा जो कि प्रीमियम क्वालिटी में हो, प्लस प्योर व्हाइट कलर हो। उसमें जो बेस शेड है वो मिक्स नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि मुझे प्योर व्हाइट कलर चाहिए था। मैंने अभी तक एक भी ब्लाउज मेरे पास था ही नहीं व्हाइट कलर में। तो मैंने जब अमेजोन पे देखा तो मुझे ये क्रॉप टॉप दिखा व्हाइट कलर में, जो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रहा था, फ्रॉम दी ब्रांड ली लंदन, जो कि काफी अच्छा ब्रांड है। मैंने इस ब्रांड का एक क्रॉप टॉप पहले ट्राई किया हुआ था काफी टाइम पहले, जो कि काफी अच्छा निकला। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, इस तरीके की पैकेजिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस इसमें आपको कलर ऑप्शन काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मुझे चाहिए था प्योर व्हाइट कलर। एंड जिप कवर वाली पैकेजिंग में आपको ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसे खोल के बताती हूँ। इसका जो फैब्रिक है ना, इतना ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है। इसमें आपको पॉलिएस्टर प्लस स्पैंडेक्स मिक्स मिल जाएगा, जो कि एक स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। समर्स के अकॉर्डिंग इस तरीके के ब्लाउज, इस तरीके के क्रॉप टॉप काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं। जैगिंग के ऊपर हो गया, स्कर्ट के ऊपर हो गया, या साड़ी के ऊपर, मतलब एथनिक और वेस्टर्न दोनों में आप इसे ट्राई कर सकते हो। काफी अच्छा लुक आएगा। आप देख सकते हो इस तरीके का क्रॉप टॉप है ये। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके की स्लीव देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी सही है। इसमें भी आपको कोई पैड देखने को नहीं मिलेंगे, पैडेड नहीं है। यहाँ पे आपको इस तरीके की स्ट्रैप देखने को मिल जाएगी। जब आप इसे ऐसे इस तरीके से पुल करोगे, तो वो वाला डिजाइन जो आपको बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ है, वो वाला डिजाइन निकल के आएगा। तो बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका, समर्स के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा परफेक्ट है, प्लस कंफर्टेबल है। जो मैंने साइज परचेज किया है वो मैं आपको बताती हूँ। स्मॉल साइज इसमें मुझे मिल गया था, इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हो। जो नेक्स्ट ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी है फ्रॉम दी ब्रांड स्टूडियो श्रीनगर। मैंने ट्राई किया है 3-4 इसी ब्रांड से ब्लाउज पिक करने का, क्योंकि इनकी क्वालिटी के साथ साथ डिजाइन काफी ज्यादा सुपर्ब है। तो ये कुछ इस तरीके का मुझे डिजिटल प्रिंट का ब्लाउज दिखा। इस तरीके की ब्लाउज काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है इन ब्लाउज की। प्लस इन पे जो प्रिंट किया हुआ है, इनके जो डिजाइन है, पैटर्न है, बहुत ही जल्दी आपको किसी के पास देखने को नहीं मिलते। कॉमन ब्लाउज नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छे लगे। इसमें भी आपको बॉट नेक देखने को मिल जाएगी, इस तरीके की आपको स्लीव्स देखने को मिल जाएगी। इसका जो फैब्रिक है हाई क्वालिटी पॉलिस्टर फैब्रिक है, एंड इस पे पूरे पे ये डिजिटल प्रिंट किया हुआ है। इसमें भी आपको बैक क्लोजर देखने को मिलेगा। मैंने समर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउज चूज किए हैं, जो कि पहनने के बाद भी कंफर्टेबल रहे। दूसरी चीज,
कि इतने ज़्यादा अच्छे लगे, रॉयल लगे, तो उस अकॉर्डिंगली मैंने ये वाले ब्लाउज चूज़ किए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इसमें आपको अंदर की साइड ना प्योर कॉटन की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। एक बार जाके आप ना ज़रूर से मेरे वाले लिंक को चेकआउट करना, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है, इनके जो डिज़ाइन है, पैटर्न है, आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन मैं जो दिखा रही हूँ ना बहुत ही सुंदर है। तो इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी जो मैंने साइज पिक किया है वो है स्मॉल, इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है वेलवेट ब्लाउज, क्योंकि मैं कुछ ऐसा ब्लाउज लेना चाहती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हो, लाइक बिल्कुल डीप नेक हो। तो मुझे अमेजोन पे ये वाला ब्लाउज दिखा, इसकी रेटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन यार मुझे देखते इतना पसंद आया, मुझे तो लगा था बस यार मुझे परचेज करना है, बाद में देखी जाएगी, अगर बेकार आ गया या फिर फैब्रिक क्वालिटी अच्छी नहीं आई तो मैं रिटर्न कर दूंगी। तो इस तरीके का ये ब्लाउज मिला, लेकिन पहनने के बाद या फिर फैब्रिक क्वालिटी मुझे काफ़ी ठीक लगी, तो मैंने इसे रिटर्न नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी स्टाइलिश लगी, तो मैंने इसे ले ही लिया। एंड इस तरीके का मरून कलर में मैंने पिक किया, क्योंकि मरून कलर का एक भी ब्लाउज नहीं था मेरे पास, और कुछ वेलवेट में हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एक आपको पैडेड ब्लाउज देखने को मिलेगा, इसमें जो पैड यूज़ किए गए, एक तो इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट पैड है। दूसरी चीज़, अंदर की साइड इसमें कॉटन की प्योर लाइनिंग लगाई हुई है, जिससे समर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइड में आपको यहाँ पे ना जिप देखने को मिल जाएगी, इस तरीके का आपको फ्रंट देखने को मिलेगा, इस तरीके का आपको डीप बैक देखने को मिलेगा। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पहनने के बाद काफ़ी स्टाइलिश लुक है, मुझे फैब्रिक क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें जो मैंने साइज पिक किया है, इसमें स्मॉल एम इसी तरीके से नहीं थे, इसमें नंबर के अकॉर्डिंग थे, मे बी शायद 32, 36 कुछ इस तरीके के थे। तो मैंने जो साइज़ पिक किया है अपने अकॉर्डिंग, मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी इसकी प्राइस वगैरह, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। तो ये है जो मैंने नेक्स्ट पिक किया, मैंने पिक किया है वो है एक क्रॉप टॉप फ्रॉम दी ब्रांड इंडिया, एंड इंडिया के क्रॉप टॉप और जो कुर्ते हैं उनकी, तो उनकी क्वालिटी तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। प्लस मैंने ये सोचा कि यार ये वाला क्रॉप टॉप भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा पहनने के बाद एज ए ब्लाउज भी, तो मैंने ये वाला क्रॉप टॉप एक फ्लोरल प्रिंट में पिक कर लिया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। इस तरीके के अगर आप क्रॉप टॉप्स को ब्लाउज के साथ, ब्लाउज की तरीके से कैरी करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक आता है, प्लस ऐसा लुक आता है जो कहीं किसी और ने नहीं पहना हो, या फिर आपको कुछ नया ट्राई करने को मिलेगा, तो कुछ ऐसे ट्राई करते रहो तो काफ़ी अच्छे अच्छे लुक क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं इससे ट्राई करने वाली हूँ एक साड़ी के साथ, प्लेन साड़ी हो, कैसी भी साड़ी हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका जो फैब्रिक है ना, जॉर्जेट फैब्रिक है, अंदर की साइड प्योर सिल्क की लाइनिंग इसमें लगाई हुई है। इस पैप्लम स्टाइल टाइप टॉप है, आप देख सकते हो, प्लस इसमें आपको स्ट्रैपी शोल्डर देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे है ना इस तरीके की ये वाली जो होती है मिरर वाली लेस लगवाई हुई है, तो इस तरीके का आपको कुछ देखने को मिलेगा। फ्लोरल प्रिंट में है, जो कि समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। बेज कलर है, पूरे के ऊपर पिंक कलर से फ्लावर्स बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। साइज जो मैंने इसमें पिक किया है वो भी है स्मॉल, इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चेकअप कर सकते हो। प्लस पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। तो जो इस तरीके की स्टाइलिश क्रॉप टॉप वगैरह ट्राई करना चाहते हैं, स्टाइलिश ब्लाउज कैरी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो भी है फ्रॉम दी ब्रांड स्टूडियो श्रीनगर, एंड मैं कुछ डीप ब्लाउज लेना चाहती थी, तो मुझे अमेजोन पे दिखा ये वाला ब्लाउज। कुछ इस तरीके का आपको ये सिर्फ फैब्रिक में ब्लाउज देखने को मिलेगा, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको कलर ऑप्शन काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, आपको जो भी कलर लेना है आप परचेज कर सकते हो। मेरे पास ग्रीन कलर का प्रॉपर ब्लाउज नहीं था, तो मैंने प्योर ग्रीन कलर पिक किया, जो कि पैरट ग्रीन कलर है, एंड इसमें आपको पूरा जरी का काम देखने को मिल जाएगा गोल्डन कलर से, तो बहुत ही अच्छा है यार, एक फुल पार्टी वेयर ब्लाउज है। इसमें आपको इस तरीके की नेक देखने को मिलेगी, इस तरीके की स्लीव्स देखने को मिल जाएगी, वो ही सेम बैक क्लोजर है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया, इसमें भी आपको अंदर प्योर कॉटन की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, और इसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो है 34 नंबर, इसमें मैंने साइज पिक किया है, और बहुत ही प्यारा ब्लाउज है। आप इसे किसी भी सिंपल साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हो, फुल पार्टी वेयर ब्लाउज है, हैंड वॉश कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है समर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अंदर की साइड आपको इसमें कॉटन की लाइनिंग देखने को मिल रही है, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। दूसरी चीज़ है, इनके जो ब्लाउज है ना, इनमें अंदर की साइड मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके थोड़ा भी टाइप पे आ रहा है या फिर आपको गलत साइज मिल गया, तो अंदर की साइड काफ़ी मार्जिन है, तो आप इसे कैसे भी ऑल्टर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो नेक्स्ट ब्लाउज मैंने पिक किया
लिया है वो भी है फ्रॉम दी ब्रांड स्टूडियो श्रीनगर, एंड ये मैंने ब्लैक कलर में पिक किया। प्लस ये प्योर कॉटन ब्लाउज है, इसका प्रिंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको कुछ इस तरीके का प्रिंट देखने को मिलेगा, प्योर कॉटन का ब्लाउज है। लुक एट दिस, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये आपको प्योर ब्लैक कलर है, इसके ऊपर व्हाइट कलर से इस तरीके का प्रिंट किया हुआ है, एंड इसमें आपको इस तरीके का बैक क्लोजर देखने को मिल जाएगा। जब मैंने इसे पिक्चर में देखा इतना प्यारा नहीं लग रहा था, लेकिन मिलने के बाद यार लुकिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लाउज है। एंड यहाँ पे आपको एक छोटी छोटी पॉम पॉम की लेस देख रहे हो ना, ये अटैच देखने को मिल जाएगी इस ब्लाउज में। इसका जो है काफ़ी अच्छा डीप नेक देखने को मिलेगा, फ्रंट कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। स्लीवलेस ब्लाउज है, इसमें आपको स्लीव्स नहीं मिलेगी अंदर की साइड, तो अगर स्लीवलेस नहीं पहनते हो तो मत परचेज करना इस वाले ब्लाउज को। एंड इसमें आपको इसमें बैक में आपको डोरी भी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा ब्लाउज है, कंफर्टेबल है पहनने के बाद। ब्लैक कलर ऐसा कॉमन कलर है कि ब्लैक कलर में आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैटर्न एंड डिज़ाइंस होने चाहिए ब्लाउज में या फिर किसी भी चीज़ में, क्योंकि ब्लैक एक कॉमन कलर है, किसी भी साड़ी के ऊपर काफ़ी अच्छे से चले जाता है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये ब्लैक कलर परचेज किया, जिसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और इसमें भी मैंने जो साइज पिक किया है वो है 34। इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हो। मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है फ्रॉम दी ब्रांड इंडिया। इंडिया के आउटफिट मैं बहुत ही ज़्यादा पहनती हूँ, थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन सेल में जब आप लोग के बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि इन पे जो फॉयल प्रिंट होता है, कैसा भी प्रिंट है, वॉश करने के बाद और कितने भी लॉन्ग टाइम तक आप इन्हें पहन लो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मेरे पास बहुत सारे कुर्ते हैं, तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ इसके क्रॉप टॉप्स भी। तो ये वाला क्रॉप टॉप मुझे एज ए ब्लाउज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इसे पिक कर लिया। मेरे पास नेवी ब्लू कलर में कोई भी ब्लाउज नहीं था, तो मैंने सोचा यार इससे ले लेती हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। प्लस इसका जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डिज़ाइनर है पूरा लुक, आप देख सकते हो ये इसका बैक है। तो आपको फ्रंट कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। पूरा जो फैब्रिक इसमें यूज़ किया गया है सिल्क फैब्रिक है, सिल्क के ऊपर पूरे के ऊपर ही फॉयल प्रिंट किया हुआ है। बैक क्लोजर नहीं है, सामने फ्रंट में ही आपको क्लोजर देखने को मिलेगा। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अंदर पूरे पे लाइनिंग लगाई हुई है, विदाउट पैड है, तो आप इससे स्कर्ट के साथ भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि एज ए क्रॉप टॉप भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगेगा। किसी भी प्लेन साटिन की साड़ी, सिल्क की साड़ी, सभी के साथ बहुत अच्छा लगेगा, किसी भी लहंगे के साथ, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर मैं क्लिप दे दूंगी। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट रहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली अपडेट शेयर करती हूँ, एंड आपसे मिस नहीं होना चाहिए। रीसेलिंग के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।